अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाई की वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे बाय यूजिंग टू डिफरेंट फार्मूलाज। एक फार्मूला जो है उसमें समेशन यूज़ हो रहा है, जबकि दूसरे फार्मूले में हमारे पास प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है। तो देखते हैं, पहले हम हर फार्मूले के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स को लेकर कितना कंपेरिजन आ रहा है, कितना एस्टिमेशन अच्छी हो रही है, दैन फिर दोनों फार्मूलाज के लिहाज से भी देखेंगे ये सेम नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कौन जो है बेटर एस्टिमेशन देता है। तो सबसे पहले हम समेशन फार्मूला की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो पाई का फार्मूला है, दिस इज पाई क्यूब ओवर 32 इज इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एन माइनस 1 की पावर एन ओवर 2n प्लस 1 होल क्यूब। तो जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ पर समेशन आ रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पर फॉर लूप लगाना पड़ेगा। हमें पहले ही गिवन है कि आप जो फॉर लूप है वो n इज़ इक्वल 10 के लिए, n इज़ इक्वल 100 एंड 1000 के लिए आप यूज़ करें और फिर पाई की वैल्यू को एस्टिमेट करें। फिर उसके बाद ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि हम जो ओरिजिनल पाई की वैल्यू मैटलैब के अंदर पहले से ही डिफाइंड है उसके साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। और चूँकि हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो पाई की वैल्यू होती ही डेसिमल प्लेसेस के अंदर है, तो बजाय कि हम फॉर्मेट शॉर्ट को यूज़ करें हमें फॉर्मेट लॉन्ग को यूज़ करना चाहिए, ताकि वो एक हमें बेटर एस्टिमेशन दे दे कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर ठीक आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको मैटलैब में कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हम ऊपर कमेंट्स लिख देते हैं, एस्टिमेटिंग the value of pi using summation formula। अब summation formula हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर number of terms जो हैं 10, 100 और 1000 के लिए हमने find out करना है, तो बजाय कि हम n की value को fix करें हम उसे user input पर depend करवा देते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा हमें बार बार editing नहीं करनी पड़ेगी, ये हमारे पास एक general program बन जाएगा। तो n is equal to input, so this will be enter the number of terms for एस्टिमेशन इक्वल बस स्पेस, ताकि जो इनपुट है वो थोड़ा सा फासले पे हो। अब नेक्स्ट जो है हमें समेशन की टर्म्स को पहले सम अप करना, तो उसके लिए हमेशा फॉर लूप यूज़ होगा, फॉर इंडेक्स हम आई यूज़ कर लेते हैं। यूजुअली तौर पे तो हम जो फॉर लूप है वो 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर समेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हमें भी यहाँ पर 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 0, 1 का आपका इंक्रीमेंट होगा और कहाँ तक जाना, जहाँ पर हमारे पास इनपुट n की होगी। अब मैटलैब में चूंकि जब 1 का इंक्रीमेंट हो तो हम उसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 1 का ही इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी है कि जितना कोड को शॉर्ट किया जा सके आप कर लें। नेक्स्ट पहले आप एंड लगा लें ताकि जो पेयरिंग है फॉर लूप की वो कंप्लीट हो जाए। सम के लिए जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं उनको एडअप करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है कि सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिफाइन करें सम इज़ इक्वल टू 0, जिसके अंदर आपने पूरी टर्म्स को सम अप करना, एंड नेक्स्ट जो है आप लिखते हैं सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आगे जो भी आपकी टर्म बनती हैं विच इज़ माइनस 1 पावर, चूँकि वहाँ पर इंडेक्स n है तो उधर पावर n लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इंडेक्स i यूज़ कर रहे हैं समेशन के लिए, तो फिर हम यहाँ पर i यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 स्टेरिक i प्लस 1 होल क्यूब। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि पहले ये जो टर्म है, चूँकि सम फॉर द फर्स्ट आइटरेशन सम की वैल्यू 0 है, वट एवर द वैल्यू जो भी इसका आंसर आएगा ये सारे का सारा अगेन सम में स्टोर हो जाएगा। फॉर i इज इक्वल टू 1 अगेन नेक्स्ट टर्म कंप्यूट होगी और प्रीवियस टर्म पहले से ही इधर मौजूद है, तो फिर ये दोनों ऐड अप होकर हमें दो टर्म्स का सम देंगे, इसमें ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो कोडिंग के अंदर हमेशा अगर आपने टर्म्स को ऐड अप करना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो हम इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि हमने पाई की वैल्यू को एस्टिमेट करना है, तो हम लिख लेते हैं ई एस्टिमेट ई फॉर पाई एस्टिमेशन एंड ई पाई एस्टिमेटिंग पाई, दिस इज इक्वल टू, चूँकि नीचे यहाँ पर डिवीजन में 32 है तो राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 32 स्टेरिक सम। अब चूंकि पाई क्यूब लिखा हुआ है तो हमें तो पहले वैल्यू चाहिए पाई की, तो हमें दोनों तरफ क्यूब रूट लेना पड़ेगा। एक तो यह तरीका है कि आप पावर लिखकर इधर 1/3 कर लेते हैं, इस तरह भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बेटर यह है कि आप मैटलैब बिल्ट इन कमांड को यूज़ करें। जब एक स्पेसिफिकली हमारे पास कमांड मौजूद है तो फिर हमें इसी को यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ nth root ब्रैकेट, उसका जो है जो भी एक्सप्रेशन है वो लिखें और आगे जितना भी आपको रूट चाहिए वो आप लिख दें। जैसे यहाँ पर हमें क्यूब रूट चाहिए तो हम 3 लिख दिया, अगर हमें स्क्वेयर रूट चाहिए होता तो हम 2 लिख देते हैं। अगर नेक्स्ट वी हैव टू कंपेयर तो उसके लिए हमें डिफरेंस चाहिए, उसे हम लिख लेते हैं एरर विच इज़ एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई माइनस एस्टिमेटिंग वैल्यू ऑफ पाई। नीचे जो हम उसे वैल्यू को चूंकि हमने प्रिंट करना तो उसके लिए हम लिख देते हैं डिस्प वैल्यू के डिफरेंस ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू विद ओरिजिनल वैल्यू, और आगे हम डिस्प्ले कर देते हैं जो भी एरर है हमारे पास। तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हमें जो फॉर्मेट है वो हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो हमें 15 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर दे, तो बाय डिफॉल्ट चूंकि फॉर्मेट होता है शॉर्ट तो हम यहाँ पर फॉर्मेट लॉन्ग लिख लेते हैं। शॉर्ट के अंदर जो है हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर होता है, लॉन्ग के अंदर हमारे पास 15 डेसिमल
प्लेसेस का कौन सा होता है, जो कि मैटलैब की मैक्सिमम एक्यूरेसी है। तो यहाँ पर हम उसी को यूज़ करेंगे। तो इसे हम कर लेते हैं सेव, और अब जो है हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। हमने इसे रन करना है n इज इक्वल 10 के लिए, देन 100 के लिए करेंगे। तो 10 से हमारे पास आंसर आ रहा है -5.0135 एंड अप टू सम e-05। जो मैटलैब में e-05 है, ये एक्चुअली इसका जो सिंपल वर्जन है वो ये है कि 10^-5, यानी कि इसे हम 1 लाख से डिवाइड करेंगे आंसर को। तो ये हमें शो करेगा कि हमारा जो आंसर है वो 4 decimal प्लेसेस है, बिल्कुल एक्यूरेट है। इसकी वजाहत मैं थोड़ा सा आगे कर दूंगा। सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि फॉर वैल्यूज ऑफ 100 के लिए हमारे पास क्या आंसर आता है। तब यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है -6 × -0.8, यानी कि हमारा जो आंसर है दैट इज़ 7 decimal प्लेसेस एक्यूरेट है। 10 पे हमारे पास 4 decimal प्लेसेस तक एक्यूरेट था, और 100 पे हमारे पास 7 decimal प्लेसेस तक एक्यूरेट, मतलब 3 decimal प्लेसेस का इजाफा हो गया। अब देखते हैं कि क्या 1000 के ऊपर हमारे पास क्या आंसर आएगा। लेट्स से 1000, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। तो हमारे पास अब जो आंसर आ रहा है इट इज़ 10 decimal प्लेसेस एक्यूरेट। तो जैसे जैसे मतलब हम वैल टर्म्स को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा आंसर इम्प्रूव हो रहा है। अब जो बात हो रही थी कि ये 4 decimal प्लेसेस तक 7 decimal प्लेसेस तक आंसर एक्यूरेट है, इसका हमें कैसे पता चलेगा, और जो कि वैल्यू आ रही थी e10, तो मैं कह रहा था कि ये 9 decimal प्लेसेस तक एक्यूरेट है। तो इस चीज़ की हम वजाहत कर लेते हैं। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं 5 point some arbitrary numbers माइनस अगेन 5 point से मैं कुछ 4 decimal प्लेसेस का आंसर बिल्कुल ठीक ले लूँ। जैसे 5.2498 है, तो मैंने 5.2498 लिख दिया। आगे मैं कुछ रैंडम नंबर्स वैसे ही लिख देता हूँ। अब जब इसका आंसर आएगा तो देखें यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, 1.09 e-5। तो अगर हम यहाँ पर ऊपर एक्यूरेसी को देखें कि कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का आंसर ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2498, यानी कि 4 decimal प्लेसेस तक हमारा आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट 5th प्लेस के ऊपर हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है।